नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। जानवरों से हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जानवरों के प्रति इतने चिंतित रहते हैं कि उनके जन्मदिन मनाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। मैं ये जो चित्र आपको दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक ये डॉगी जो सुल्तान नाम है जिसका, इसका आज जीवाश्रय समिति समय जो जिसका डॉगी है, उन्होंने इसका जन्मदिन मनाया और धूमधाम से जन्मदिन मनाया, पार्क में जन्मदिन मनाया। इस दौरान इन लोगों ने हमें जानकारी दी। ये भी लवर्स डॉग हैं और बहुत कुत्तों से प्रेम करते हैं, तो मैंने इनको आज अपने सुल्तान के जन्मदिन पे इनवाइट किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये भी संदेश जनता को कुछ ना कुछ दे। मैम का शुभ नाम क्या है बताएंगी? मैम आप डॉगी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत लॉयल होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो उनका एक शौक है इंसानों में कि मोहब्बत से ज़्यादा कुत्तों से डर, वो एक गलत है। मतलब अगर ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, लोगों को मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई कुत्ता है तो वो काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं और थोड़े से खाने। मैम आप बहुत कुत्तों की बहुत हेल्प करते हैं, किस तरीके से आप? हम तो जितना हो सकता है अपने पेशेंट पे करते ही हैं, हमारी एक टीम है तो मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। जीवाश्रय नाम से हमारा एनजीओ है जो जानवरों के लिए काम करता है, ट्रीटमेंट करवाते हैं, रोज़ हम लोग फीडिंग करते हैं, कम से कम 100-150 डॉग्स को हम लोग पर डे खाना खिलाते हैं, और जो सड़क पे घायल है इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट देना है, एक्सीडेंट हो गया उनको डॉक्टर गुप्ता जी के यहाँ ले जाते हैं, प्राइवेट में ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब बिना फीस के हम लोग का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग्स, उनकी भी थिंकिंग बदली है। समाज के लोगों के लिए डॉगी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि जागरूकता की बहुत कमी है लोगों को अभी फिलहाल, तो हम लोगों को इनको अपनाना चाहिए। ये प्यार के भूखे होते हैं, एटलीस्ट अगर कोई मतलब खाना नहीं दे सकता तो इन्हें मारिए भी नहीं। लोग करते हैं डंडा मार दिया, लात मार दिया, तो ये गलत है। ये आप सोचिए कि सड़क पर ये कैसे गुजारते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग तो रजाई के अंदर बैठे हैं ठंड में, ये बाहर कैसे मतलब गुजारते हैं? हर मौसम बरसात हो, कोई इनके दरवाजे बैठने नहीं देता है, आए उनने डंडा मार के भगा दिया। तो सड़क है कम से कम, वहीं इनको जीने का अधिकार मिले, लेकिन लोग सोचते हैं कि इनको वहाँ से भी हटाया जाए। नगर निगम की गाड़ी बुलवाओ, इनको पटकवा दो जंगलों में, ये हाल है। जहर दे दो, बच्चे हुए छोटे उनको बोरियों में भरो, दूर छुड़वा दो, तो ये सब गलत है। अगर हम लोग इंसान हैं तो ये नहीं होना चाहिए। मैं आप सरकार से क्या रखना चाहेंगी, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगी, सरकार कुछ सलाह देना चाहेंगी अपनी तरफ से सरकार को? बिल्कुल यही देना चाहेंगे कि लोगों को अवेयरनेस का आप लोग मैसेज दीजिए, जागरूकता होनी चाहिए जानवरों के प्रति कि ये भी प्यार के भूखे होते हैं, तो इसलिए जो कि बहुत लोग कम समझते हैं इनकी भावनाओं को। तो हम लोगों के पास ये है कि शेल्टर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है डॉग्स को रखने की, सबसे समस्या आती है कि कहीं रखना हो पैरालाइज जाए, किसी की कमर टूटी है, रखने की जगह नहीं है हम लोगों के पास। तो ये है कि शेल्टर प्रोवाइड हो सके, और मतलब जो कि व्यवस्था इनकी होती है, एक से फर्स्ट एड वगैरह है, ट्रीटमेंट वगैरह है, दवाइयाँ हैं, ये मैक्सिमम अगर हम लोग को प्रोवाइड हो सके तो हम लोग कर सकते हैं। क्या आपने जिलाधिकारी जी को इस बारे में कुछ ज्ञापन दिया है? हाँ, ज्ञापन हम लोगों ने शेल्टर का दिया था, अभी फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और एक क्वेश्चन है मैम, केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज़्यादा गौ माता पर मतलब चिंतित है, उनकी सबसे ज़्यादा चिंता है, लेकिन हमें झांसी में पहली बार एक ऐसी हमारी बहन मतलब जो झांसी की रानी बनकर एक डॉग्स के लिए निकल कर बाहर आई है, तो ये लड़ाई जारी रहेगी कि आपकी केवल यहीं तक सीमित खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, हमारी लड़ाई तो इनके प्रति जारी है, हमने तो MBA किया हुआ है, उसके बाद मेरी जगह जगह कंपनियों में जॉब लगी, उसको ठुकरा के हम इनकी सेवा कर रहे हैं आज, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको मतलब वो सम्मान मिल सके, मतलब इसकी हकदार है, जो लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। तो इस लड़ाई शुरू हुई है तो ख़त्म तो नहीं होगी, इसको आगे तक ही ले जाने का पूरा मोटिव है हमारा, इसको ख़त्म नहीं करना है। और यही है कि गौ माता के लिए हम लोग सब लोग करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इनमें भी वही चीज़ है, जीव है, उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। और मैं धन्यवाद दूंगी दीपाली दीदी का कि उन्होंने भी अपना समय दिया और हमारे डॉग को विशेष भेजी हैं उन्होंने, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी उनकी पार्टी आए तो वो इस विषय पे जरूर सोचे और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जरूर एक अच्छी व्यवस्था करवाएं। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं जीवाश्रय टीम की तरफ से कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको थैंक यू, डॉक्टर के गुप्ता जी को थैंक यू, पूजा गोस्वामी को थैंक यू, और जो हमारे टीम के मेंबर हैं शकील भाई, वो सबसे ज़्यादा केस हैंडल करते हैं, मुस्लिम हो के भी मतलब गाय और डॉग्स की बहुत सेवा करते हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, हमारा मन इमोशनल हो जाता है तो इसलिए सॉरी, थैंक यू।